सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टार्ट मोटो व्लॉग। तो भाई कैसे हो आप लोग? तो भाई आज हम आ चुके हैं अपनी एक्टिवा पे 125। तो आपको मैं इसका रीज़न बताऊंगा क्यों हम एक्टिवा पे आज राइड पे जा रहे हैं, क्योंकि मैं आज रोहतक पे नहीं हूँ, मैं गुड़गांव में आया हुआ हूँ। अपना यहाँ पर भी एक फ्लैट है तो वहाँ पर आया हुआ था मैं। तो मैंने सोचा भाई मेरा ना मन नहीं लग रहा था भाई संडे को, क्योंकि हमारे जो ग्रुप वाले है ना वो रोहतक में, वो कहीं और जा रहे थे राइड पे। तो मेरे को भाई जलन हो रही थी, मैं बोलता भाई मैं भी जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, बेशक मेरे पास एक्टिवा हो, पर राइड पे जाना ज़रूरी है भाई संडे को, नहीं तो मज़ा नहीं आता भाई। तो मैं अपनी एक्टिवा उठाई और सीधा निकल गया। और पहले मैं व्लॉग बनाने की नहीं सोच रहा था, पर फिर मेरे मन में आया कि भाई कुछ यूनिक सा भी ट्राई करके देखते हैं। मैं क्योंकि अपना गुड़गांव में सारा सामान लेके आया था, मैं वीडियोस बनाने भी आया था गुड़गांव में थोड़ी बहुत मेरे शूट से, तो मैं अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप भी थोड़ा बहुत लाया था और हेलमेट यहाँ पर पड़ा था। तो मैं बोलता कि क्यों नहीं अपना एक कुछ नया ट्राई करते हैं, एक्टिवा पे ही व्लॉग करते हैं और आपको भी दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे, क्योंकि गुड़गांव में जो क्रेज़ है ना सुपर बाइक्स का और संडे राइड का, वो नेक्स्ट लेवल है भाई। तुम भी एक बार देख के शौक हो जाओगे कि ऐसी ऐसी सुपर बाइक्स भी आती है, मतलब संडे राइड पे वहाँ जिस जगह मैं जा रहा हूँ ना, राइडर्स पैराडाइज कैफ़े, आपने नाम सुना ही होगा जो भी राइड करते होंगे, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स आते हैं वहाँ पर, और वहाँ के जो एनवायरनमेंट होता है वो अलग ही होता है टोटली। वो मतलब एक कहते हैं ना बाइकर्स के लिए होता है, सारे बाइकर्स वहीं आते हैं, जो भी दिल्ली NCR के हो गए, गुड़गांव के हो गए, सारे वहीं आते हैं संडे को। वहाँ का एनवायरनमेंट नेक्स्ट लेवल होता है और भाई फील इतनी आ जाती है ना, मतलब चारों तरफ सुपर बाइक से और वो ऐसे फ्लाई वाई देके जाते हैं ना, जब बहुत बढ़िया फील आते हैं भाई। और तो फिर मैंने सोचा भाई संडे को जब भी, मतलब अगर मैं यहाँ हूँ तो वहाँ नहीं गया ना तो फ़ायदा नहीं होगा भाई आने का मेरा गुड़गांव, क्योंकि वहाँ का जो मैंने जैसे बार बार बोल रहा हूँ भाई एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है, वो आपको मैं जाके भी दिखा दूंगा वहाँ पर, और एक्टिवा पे व्लॉग भी हो जाएगा अपना। कोई नहीं, हमारे पास बाइक नहीं है तो व्लॉग तो हम फिर भी कर लेंगे। तो फिर अपने ही से अपना व्लॉग शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें ना करके, बहुत ज़्यादा बोल लिया आपको आगे जाके। और भाई ये देखो राइडर्स की बात करी, ये देखो ये है राइडर्स पूरा, इतना बड़ा ग्रुप अभी मेरे आगे से गया है ना, और आगे सुपर बाइक की आवाज़ मेरे को शायद आपको ऑडियंस में नहीं आएगी वीडियो में, पर भाई जो आगे ये पीछे तो सारी वो चल रही है रॉयल इनफील्ड, मतलब ये टूरर्स टाइप, और आगे सुपर बाइक की आवाज़ आ रही है भाई। मेरा तो मन कर रहा है आगे जाके इनको पकड़ूँ, देखूँ कौन सी सुपर बाइक है भाई, पंप कर दिया इन्होंने तो यार। मेरे पास R15 नहीं है, मेरा मन कर रहा है यार R15 होती काश, वो उसको चलाता यहाँ पर इनके सामने मज़ा आता भाई। आके बहुत से 2-3 सुपर बाइक चल रही है, आवाज़ आ रही है बहुत बढ़िया वाली भाई। ये ग्रुप देख रहे हो, मैं यही बात कर रहा था भाई, इसी क्रेज़ की बात कर रहा था। इस लेवल पे देखो भाई, मतलब बाइकर्स हैं गुड़गांव में, 100-100 बंदों का ग्रुप ऐसे एक साथ राइड करता है ना भाई, क्या फील आती है ऐसी रोड्स पे। और भाई ये देखो सारी बाइक्स मिल जाएगी आपको इस ग्रुप में, सुपर बाइक्स लेके टूरर ऑफ रोडिंग बाइक सारी मिल जाएगी आपको यार। ये मेरे को लग रहा है ये जहाँ पर राइडर्स पैराडाइज ही जा रहे हैं, या तो कहीं या थ्रोटल श्रोटल जा रहे होंगे, वो भी थोड़ा सा आगे जाके ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल आगे जाके है भाई। लोकेशन देखनी पड़ेगी मेरे को, लोकेशन का बिल्कुल नहीं पता, मैं पहली बार जा रहा हूँ और मेरे को लोकेशन देख के जाना पड़ रहा है। और भाई मैं तो सोच रहा हूँ इनके पीछे पीछे ही हो लेता हूँ, ये भी जाएंगे वहीं पर ही सीधा, तो इनके साथ ही चला जाऊँगा, लोकेशन भी नहीं देखनी पड़ेगी भाई सब। और सबसे बड़ी बात मैंने जो देखा है ना गुड़गांव में, ये नहीं है कि खाली लड़के ही राइड करते हैं, लड़कियों को भी इतना क्रेज़ है ना भाई, मैंने इस ग्रुप में इतनी सारी लड़कियाँ देखी राइड करते हुए। तो लड़कियों, मैं तो सोचता था भाई लड़के करते हैं, पर यार लड़कियों को जो दिल्ली और गुड़गांव में क्रेज़ है ना, एक मैंने क्या कहते हैं कई सारी लड़कियां देखी है सुपर बाइक चलाते हुए भाई, सब मेरे को तो शौक हो गया एकदम। चलो भाई बढ़िया यार, सब मतलब वो भी चलाते हैं तो अच्छी बात है। और भाई देखो मैंने एक्टिवा पेल रखी है पूरी, इससे ऊपर नहीं जा सकती एक्टिवा भाई, और जल्दी से पहुंचते हैं भाई। और एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट बोल रहा हूँ, मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, ज़्यादा धूप नहीं है, अभी तो सुबह सुबह ही है, सही हवा चल रही है, तो आराम से चलते हैं, पहुंचते हैं आपको और सीधा वहाँ पर सुपर बाइक्स और जो भी होगा सब कुछ दिखाते हैं। चलो फिर हमारे साथ बने रहना, मिलते हैं आपको सीधा भाई।
सो फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका हूँ राइडर्स पैराडाइज कैफे, बस आ गया अपना कैफे और बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ भाई, क्योंकि वो राइडर्स थे ना जो ग्रुप था वो इतना बड़ा वो कहीं और ही चला गया, मेरे को लगा राइडर्स पैराडाइज ही आएगा, तो भाई मेरे को नहीं पता कौन से वहाँ कहाँ गया है, और फिर मेरे को लोकेशन देख के आना पड़ा और टाइम लग गया। तो अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं और मेरे को इतनी यहीं से दिख गई है सारी सुपर बाइक्स, चलो फिर सीधा आपको मिलते हैं दिखाते हैं कौन सी सुपर बाइक है। तो चलो भाई आपको सीधा ना अंदर जाके ही बताते हैं कि कौन कौन आया हुआ है, कौन यूट्यूबर आए हुए हैं दिखाएंगे और आपको बाइक्स दिखाते हैं कौन सी है। तो गाइस हम आ चुके हैं राइडर्स पैराडाइज कैफे और हमारे साथ आते ही भाई इतनी सुपर बाइक्स दिख चुकी है ना, मेरा तो भाई एक्साइटमेंट लेवल होता है ना वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आगे हो चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एक्साइटमेंट लेवल। और यहाँ पर देखो भाई कौन सी बाइक्स हैं, ये देखो भाई अपनी ये ट्रैम स्पीड ट्रैम की है और ये अपनी कावासाकी की ZX6R और वो अपनी हायाबुसा खड़ी है, और अंदर जो बाइक्स खड़ी है ना बहुत बढ़िया बढ़िया बाइक्स खड़ी है यार, मेरे को तो ये मज़ा आ रहा है भाई, जब भी आता हूँ ना राइडर्स पैराडाइज हमेशा हमेशा भाई ये मतलब ऐसा मन लगा रहता है ना जाने का मन नहीं करता, और बहुत स्वाद आता है भाई इसमें। और मैं आपको अभी हो सके तो आगे बहुत सारी सुपर बाइक्स भी दिखाऊंगा और कोई यूट्यूबर हो सके तो उनसे भी मिलवाऊंगा ज़रूर आपको, तो चलो फिर वीडियो में बने रहना हमारे साथ आखिरी तक पहुँच गए। तो भाई मैं ना आगे थ्रोटल श्रोटल आ गया था राइडर्स पैराडाइज होने के बाद, वहाँ से लगभग सुपर बाइक चली जा चुकी थी मतलब, और यहाँ पर थोड़ी बहुत खड़ी थी तो मैं यहाँ पर आ गया और मेरे को देखो क्या मिल गया बाइक्स, तो चलो मैं हर संडे देखता ही हूँ, एक और कार मिल गई मेरे को ऑडी TT और अपने एक भाई भी मिल गए, क्या हाल है भाई? बढ़िया सर, आप बताओ। थैंक यू रिव्यू देने के लिए, आप यहाँ क्या कर रहे हो? एक्टिविटी चल रही है सर। अच्छा अच्छा अंदर, तो इन भैया ने हमें रिव्यू करने में हेल्प करवाई थी सुजुकी के शोरूम पे, हमने अभी लास्ट रिव्यू करा था वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कौन सी बाइक का रिव्यू करा है, तो थैंक यू भैया। कोई नहीं सर, थैंक यू, वेलकम। चलो भाई मज़ा आ गया भाई, यहाँ पर सुपर कार्स भी आती है, मेरे को तो ये नहीं पता था कि बाइक्स के साथ सुपर कार्स भी आती है, और हमें भाई भी मिल गए वो सुजुकी के शोरूम पर ही काम करते हैं एक्चुअली, और उन्होंने मैंने मतलब उनसे बात करी थी और एक बाइक का रिव्यू करा था वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। तो भाई आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और आपको ना मैं मतलब बीच में ना थोड़े बहुत वीडियोस अटैच कर दूंगा जो मैंने बनाई थी विली की और स्टंट्स की सुपर बाइक्स के, मैंने रिकॉर्ड करी थी तो वो ज़रूर देखना, और आखिरी तक ये पूरी अगर जिसने भी वीडियो देखी है ना भाई लाइक करके जाना ज़रूर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलो फिर मिलते हैं आपको अगली ऐसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Can I be your superhero?